हेलो फ्रेंड, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में आप लोग जानेंगे और देखेंगे कि एक स्पीड एसी का आउटडोर को स्टैंड में किस तरह से फिट किया जाता है और उसमें क्या क्या हम लोगों को सावधानी रखनी पड़ती है। तो चलिए हम लोग वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में एक ड्रिल मशीन है और मैं अभी आउटडोर का स्टैंड को फिटिंग कर रहा हूँ। तो मुझे फिटिंग करने के लिए सबसे पहले ड्रिल मशीन चाहिए और हमको उसका मेजरमेंट लेना है। मेजरमेंट लेने के बाद मैं आउटडोर को ब्रैकेट पे फिट कर सकता हूँ। तो देखिए, स्प्लिट एसी का आउटडोर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आउटडोर से ही सब फंक्शन होता है। तो देखिए, अभी हम लोग क्या है कि उसका एक होल होता है, होल को लगाने के बाद अभी हम लोग बुलेट फास्टनर से हैमर को टाइट कर देंगे और उसको हम लोग अभी कनेक्ट कर देंगे। तो कुछ दिन पहले मुझे बहुत सा कमेंट आया कि आप आउटडोर के बारे में बताइए कि आउटडोर लगाने समय क्या क्या ध्यान देना पड़ता है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, आउटडोर लगाने के लिए हमें ज़्यादा ध्यान देने की दरकार नहीं है। उसमें ज़्यादातर देखिए बुलेट फास्टनर हो जाता है तो वो सबको कनेक्ट करना पड़ता है। तो हम लोगों नापी उपी ले कर देखिए स्टैंड को इस तरीके से फिट करेगा कि जिससे वो फास्टनर स्टैंड के अंदर की तरफ चल जाए और स्टैंड मजबूती से पकड़ ले और उसको हम लोग टी पाना की मदद से बहुत अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देखिए ये टी पाना है और इसकी मदद से हम लोग फास्टनर को टाइट कर देंगे और टाइट भी बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए जिससे कि वो गिरे नहीं। तो देखिए, अभी हम लोग फास्टनर को टाइट कर रहे हैं और अभी फास्टनर को टाइट करने के बाद इसी तरीके से एक और स्टैंड लगेगा और स्टैंड लगाने के बाद हम लोग उस पर आउटडोर को रख देंगे। आउटडोर को रखने से क्या होगा कि आउटडोर एक ऊपर में सेव बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, इसलिए आउटडोर को हमेशा स्टैंड पे ही रखना चाहिए। तो देखिए, ये हमारा आउटडोर है और देखिए ये स्टैंड के ऊपर में लगा हुआ है। तो देखिए ये कितना अच्छी तरीके से लगा हुआ है और देखिए ये चल भी रहा, ऑन भी है। देखिए, ये वोल्टास का स्प्लिट एसी का आउटडोर है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।